अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। मैं आपको अपने चैनल चंद्रा टीम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जिस जगह की बात करने वाला हूँ, ये जगह तकरीबन कई सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है। जंग में जो भी एसी, डीसी, एमएनए, एमपी आता है, वो इस जगह की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ये आप देख सकते हैं, इस जगह में इर्द गिर्द का कूड़ा क्रिकेट है। जहाँ हालांकि टीएमए की गाड़ियाँ भी कूड़ा क्रिकेट फेंक जाती हैं। ये जंग की एक मेन जगह है, मौला यूसुफ आबाद इसको कहते हैं, यूसुफ वाला भट्टा के नाम से ज़्यादा मशहूर है। ये जगह पांच न्योट रोड मौला यूसुफ आबाद में है। ये तकरीबन 2 से 3 एकड़ पर मुश्तमल ये जगह है, जिसमें ये जड़ी बूटी है, जिसको हम पंजाबी में नाड़ कहते हैं। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ जो जान का कूड़ा क्रिकेट, इस कूड़ा क्रिकेट को हटाने के लिए अभी तक हुकूमत की तरफ से, ज़िला इंतजामिया की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। ये आप देख सकते हैं, यहाँ इर्द गिर्द काफ़ी कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, लेकिन हुकूमत ज़िला इंतजामिया की वजह से इस जगह पर कोई भी खास कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यहाँ टीएमए की गाड़ियाँ भी कूड़ा क्रिकेट फेंक जाती हैं और इर्द गिर्द के लोग भी कूड़ा क्रिकेट फेंक। ये जंग में एक मेन जगह मरकज होने की वजह से जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ये वो यही जगह पर कूड़ा क्रिकेट फेंक जाते हैं, लेकिन ज़िला इंतजामिया उनको रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाई। और यहाँ से सीवरेज का सारा पानी भी इकट्ठा होता है। इस नाले के नीचे तकरीबन 10 से 15 फुट पानी है और इस जगह पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कूड़ा क्रिकेट है, जहाँ मुख्तलिफ मच्छरों की भी अफजाइश होती रहती है और जो जिनकी वजह से ये इर्द गिर्द के लोग काफ़ी परेशान हैं। जंग के ज़िले इंतजामिया से मेरी यही अपील है कि इस जगह के बारे में कुछ किया जाए, या कोई ये जगह अगर ये सरकारी तौर पर कुछ नहीं कर सकते तो ये जगह के लिए प्राइवेट सेक्टर को दी जाए, ताकि वो यहाँ कोई अस्पताल या कोई कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बना सके, ताकि इन लोगों को, इन तमाम मोहल्ले वालों को इस जगह से छुटकारा मिल जाए, जो उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। इस जगह तकरीबन एक मरला की कीमत 2.5 लाख है, जो ये देखें इस जगह कीमत भी 2.5 लाख है। और ये जो आ गया, ये सरकारी है, इसकी तरफ हुकूमत कोई तवज्जो भी नहीं दे रही। जो ये जिन लोगों की ये ज़मीन है, उन्होंने तो बेच दी है, और ये जो इससे आगे है, ये वाली सारी सरकारी खाते में आती है, लेकिन इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। ज़िला इंतजामिया से, जंग के ज़िला इंतजामिया से यही अपील है कि मेहरबानी फरमा कर इस जगह कुछ करें, ताकि यहाँ के लोगों को इस गांव से छुटकारा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।